जेके फ्लिप फ्लॉप, जब मैंने आपको SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताया था तो उसमें एक प्रॉब्लम थी। SR जब दोनों ही हमारे 1-1 थे, SB और RB, तो जो आउटपुट आ रही थी वो हमारी कंफ्यूजिंग थी, यानी मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि आउटपुट में क्या आएगा उस टाइम पे। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए JK फ्लिप फ्लॉप बनाया गया। तो JK फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल सिमिलर SR फ्लिप फ्लॉप की तरह आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें फीडबैक कनेक्शंस लगाए गए हैं, यानी J को QN बार से फ्लिप फ्लॉप मतलब फीडबैक कनेक्शन दिया गया है और K को QN से फीडबैक कनेक्शन दिया गया है। बाकी पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो सिमिलर SR फ्लिप फ्लॉप की तरह है। अब मैंने जो SR फ्लिप फ्लॉप लास्ट में बनाया था अपनी वीडियो में, मैंने उसमें यहाँ दो AND गेट्स लगाए थे और यहाँ पे NOR गेट्स लगाए थे। तो हम उस तरीके से भी JK फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, ट्रुथ टेबल सेम ही आएगी, और बट मैंने यहाँ पे NAND गेट्स का यूज़ किया है। ओके, और यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ग्राफिक सिंबल जो बिल्कुल हमारे JK फ्लिप फ्लॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो इनपुट है हमारे J और K, क्लॉक है, और आउटपुट में QN और QN बार हैं। तो सिमिलर यहाँ भी हम ट्रुथ टेबल को वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने सबकी ट्रुथ टेबल्स बनाई हैं। तो यहाँ पे क्या है, J K QN हमारे इनपुट्स हैं और QN+1 हमारा आउटपुट है। ठीक, तो QN+1 हमारी नेक्स्ट स्टेज है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको इसके बारे में, तो अब हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है, J भी 0 है, K भी 0 है और QN भी हमारा 0 है। ओके, तो हमने क्या किया, J भी हमने 0 ले लिया, K भी हमने 0 ले लिया, QN भी हमने 0 ले लिया। अब इसमें एक चीज़ है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इसमें ना जो ये फीडबैक कनेक्शंस हैं, ये जो हमारे इसके NAND गेट्स के इनपुट हो गए हैं वो अब 2 नहीं रहे, वो 3 हो गए हैं। अब कन्फ्यूज़न की दिक्कत ये है कि भाई हमने तो दो इनपुट्स पड़े हैं NAND गेट्स में, 3 कहाँ से हो गए और हम इसका आउटपुट कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता देती हूँ NAND गेट्स के आउटपुट का, तो मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। तो हमने पढ़ा था 0-0 होता है तो आउटपुट हमारी 1 मिलती है, 0-1 होता है तो भी 1 मिलती है, 1-0 होता है तो भी 1 मिलती है, जब हमारा दोनों हाई होते हैं तो आउटपुट हमें 0 मिलती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें चलना है। अगर हमने इसमें कुछ भी किया, मतलब 0 बढ़ा दिए जाएं या 1 बढ़ा दिए जाएं, तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बस हमें इतना याद रखना है कि अगर हमारे एक भी 0 होगा इनपुट में तो हमारी आउटपुट जो मिलेगी वो 1 मिलेगी, और हमारा जब तक हमारे सारे 1 नहीं होते तब तक हमें आउटपुट 0 नहीं मिलेगी। जैसे ही हमारे सारे इनपुट्स 1 होंगे हमें आउटपुट में 0 मिल जाएगा। ओके, तो यही लॉजिक हमें यहाँ यूज़ करना है JK फ्लिप फ्लॉप में, और इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो अब मैं शुरू करती हूँ। तो मैंने यहाँ तीनों को 0 ले लिया है। सबसे पहले हमारा J भी 0 है, K भी 0 है, तो हमें सिंपली पता है कि एक भी 0 होगा तो NAND गेट की आउटपुट हमें 1 ही मिलने वाली है। तो हमें यहाँ भी हमें दोनों NAND गेट्स के आउटपुट 1 मिल गए हैं। अब हम QN से चलते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कैसे लेते हैं इसमें आउटपुट। तो QN में गए, तो यहाँ पे हम गए तो अगर हमारा QN 0 है तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, सिंपल है। एक भी 0 होगा, ये हमारा 0 गया, और NAND गेट क्या बोलता है, एक भी 0 हुआ तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। ओके, तो अब दोबारा जाते हैं। अब ये 1 हमारा यहाँ गया, अब हमारा ये जो NAND गेट का आउटपुट था ये भी 1 था और ये भी 1 है, इट मीन्स हमारे दोनों 1 है, तो अब हमारी आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसमें हमारी नेक्स्ट स्टेज क्या है, 0 है, तो हमारा QN+1 क्या आया, 0 आया। चलो अब नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सिंपल है, जे और के तो दोनों 0 ही हैं, QN हमारा 1 हो गया, तो मैंने QN को यहाँ 1 लिख लिया है और 1 को मैंने यहाँ इनपुट किया, तो 1 × 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यानी यहाँ पे हमारा क्या आएगा, आउटपुट में 0 आएगा। अब मैंने इस QN बार यानी यहाँ 0 को मैंने यहाँ दिया, तो 0 × 1 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, यानी यहाँ हमारी नेक्स्ट स्टेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। ओके, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1। तो यहाँ हमें एक चीज़ दिख रही है, क्या इन दोनों में जो हमारा QN है हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, QN+1 हमारा वही मिल रहा है, यानी ये सिमिलर है, बिल्कुल QN है हमारा ये, क्योंकि जो हमने QN दिया QN+1 पे भी हमें सिमिलर वही मिल रहा है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। तो अब J हमारा 0 है और K हमारा 1 है, तो J 0 है, ठीक है, तो यहाँ सिंपल है, अगर एक भी 0 होगा तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। लेकिन K हमारा क्या हो गया, अब 1 हो चुका है। ठीक है, तो K हमारा अगर 1 है तो अब हमें चेक करना पड़ेगा, यानी हमारी क्लॉक भी 1 थी, K भी 1 था, तो हमें चेक करना है क्या फीडबैक कनेक्शन जो है ये हमारा, क्या ये भी 1 है, तभी तो हम चेक करेंगे। अगर ये 0 हुआ इट मीन्स आउटपुट 1 होगी, अगर ये 1 हुआ तो इट मीन्स तीनों 1 हो जाएंगे, और अगर तीनों 1 होंगे तो आउटपुट तो हमें 0 मिलने वाली है। ठीक है, तो हमारा QN क्या है इस पर डिपेंड करता है। तो QN हमारा क्या है, थर्ड स्टेज में हमारी QN जो है वो 0 है, तो हमने QN अगर 0 लिया है तो 0 जब फीडबैक करके यहाँ पे जाएगा तो एक 0 हो गया ये, तो अब तो हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है, एक भी 0 होगा तो हमें आउटपुट में 1 ही मिलने वाला है। ओके, सिंपल, अब ये सिंपल समझ में आ गया कैसे चलना है इसमें। अब चलते हैं फिर से, अब ये दोनों आउटपुट हमें मिल चुकी हैं 1-1।
अब हम चेक करते हैं, क्यू एन हमने यहाँ दिया 0, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। एक भी 0 होगा तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। यहाँ चलते हैं, अब दोनों 1-1 हो गए तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेज हो गई, क्यू एन प्लस 1 हमारा क्या मिला यहाँ पे? 0 मिला। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारी जे और के तो सेम ही है, 0 और 1, बस क्यू एन हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। तो मैंने यहाँ क्यू एन 1 कर दिया है, 1 हमारा यहाँ गया, तो हमारे दोनों इनपुट्स क्या हैं अब? 1 हैं। लेकिन एक मिनट, मैंने यहाँ पे कहा था कि क्यू एन अगर हमारा 1 होगा तो हमारी क्यू एन फीडबैक हमारी यहाँ जा रही है, इट मीन्स क्या होगा, यहाँ हमारा 1 हो गया है, और जब हमारे तीनों 1 होंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे जे तो हमारा 0 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जे का हमें आउटपुट 1 मिल गया, जे 0 है और क्लॉक 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो हमें 1 ही मिलेगा। एक भी 0 होगा तो 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ हमारा क्लॉक भी 1 था, के भी 1 था और क्यू एन भी हमने 1 रखा, तो फीडबैक में यहाँ होकर आया तो ये भी 1 था, तो हमारे तीनों 1 थे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? अब 0 मिलेगा। तो अब हमारे यहाँ पे ये सीन चेंज हो चुका है, अब हमें यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्यू एन मैंने 1 दिया तो 1 यहाँ गया फीडबैक में, तो यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि क्या है, अगर एक भी 0 होगा तो आउटपुट 1 ही होगी। फिर अब 1 यहाँ गया तो 1 × 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेज क्या मिली है? 0 मिली है, तो यहाँ भी हमारी क्यू एन प्लस 1 0 है। तो अब हम क्या देख सकते हैं इसमें कि चाहे क्यू है, क्यू हमारा एन हमारा 0 हो चाहे 1 हो, हमें आउटपुट क्या मिल रही है? 0 ही मिल रही है। यानी दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों क्या है, जे जे पे हमारा जो है हमें आउटपुट पे वही मिल रहा है, इट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं रीसेट कंडीशन। ठीक है, रीसेट हमारा क्या होता है? 0 होता है, तो इसको हम रीसेट कंडीशन बोल सकते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्यू एन क्या है हमारा, 0 है या 1 है, हमारे आउटपुट तो 0 ही आ रहे हैं दोनों में। जब जे 0 है, के 1 है, तो हमारे आउटपुट 0 ही आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो अब हमारा J1 है, K0 है और QN0 है, QN0 और J1 K0, J हमारा 1 ले लिया, K मैंने 0 ले लिया, तो अब देखते हैं अब हमारा आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले J हमारा 1 है, क्लॉक भी हमारा 1 है, तो हमें फीडबैक देखना होगा, भाई ये फीडबैक क्या है, ये 0 है या 1 है। तो अगर हमारा QN0 है तो यहाँ तो QN बार है, यानी ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे हमारा 1 होगा, इट मीन्स जब ये 1 यहाँ जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 1, अगर तीनों 1 है तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे? 0 मिलेगा। ओके, समझ में आया ये चीज़। अब आगे K हमारा 0 है, तो यहाँ पे हमारा K 0 है, तो इट मीन्स आउटपुट में हमें 1 मिलेगा, तो अब हमारा ये 0, ये हमारा 1 हो गया है। अब आगे चलते हैं, जब मैंने यहाँ 0 दिया तो हमें आउटपुट में 1 मिल गया, अब मैंने यहाँ पे 1 दिया तो हमें आउटपुट में यहाँ 0 ही मिलेगा। तो यहाँ हमारी स्टेज क्या आ रही है अब, सॉरी, यहाँ 1 हमने दिया तो 1 × 0 0 0 का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या आ रही है अब? 1 आ रही है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1। आगे चलते हैं हम, जब हमारा क्यू एन क्या है? 1 है, तो हम क्यू एन को 1 रखते हैं। अब हम क्यू एन को 1 रखा, लेकिन हम पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं, यानी पहले हम इसको देख लेते हैं, जे भी हमारा 1 है, के भी हमारा 1 है, क्या हमारा ये जो क्यू एन बार जो हमारा फीडबैक आ रहा है क्या होगा? तो अगर हमारा क्यू एन हमने 1 रखा है तो क्यू एन बार 0 होगा, सिंपल है। तो 0 अगर यहाँ फीड किया तो ये 0 हो गया, और हमारे नैंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या कहती है, अगर एक भी 0 होगा तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और यहाँ तो सिमिलर हमें के 0 था तो हमें आउटपुट 1 ही मिल रही थी। अब आगे चलते हैं, जब हमने यहाँ 1 दिया तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 और 1, तो आउटपुट में हमें मिलेगा 0। अब हम 0 को यहाँ फीड कराएंगे तो यहाँ हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? एक भी 0 होगा तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी हमारी क्यू एन प्लस 1 स्टेज क्या आ रही है? 1 आ रही है। ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। तो यहाँ हम क्यू एन प्लस 1 में हम क्या देख सकते हैं कि हमारे दोनों क्या है? 1 है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्यू एन हमारा 0 है या 1 है, हमारे दोनों हाई आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं हम सेट कंडीशन। तो ये है हमारी सेट कंडीशन। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे हमारी दो चीज़ें बची हैं बस। तो अब हमारा जे भी 1 है और के भी 1 है और क्यू एन 0 है, जे भी 1 है और के भी 1 है और क्यू एन 0 है। तो अब हमें सबसे पहले देखना होगा, जे भी 1 है, क्लॉक भी 1 है, तो हमारा क्यू एन बार क्या है, क्योंकि क्यू एन बार फीडबैक है यहाँ पे। तो अगर हमारा क्यू एन 0 है तो क्यू एन बार क्या होगा? 1 होगा, इट मीन्स ये भी हमारा 1 है, और अगर सब 1 होंगे इनपुट्स तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके, तो अब हम यहाँ चलते हैं, के हमारा 1 है, क्लॉक हमारा 1 है, तो क्यू एन क्या है हमें चेक करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे ये इनपुट में जाएगा। तो क्यू एन हमारा 0 है, तो अगर एक भी 0 होगा तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। तो ये सिंपल है, 0 और 1 हमारे इनके आउटपुट्स हो गए हैं। अब हम यहाँ चेक करते हैं, 0 हमारा यहाँ इनपुट में गया तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके, अब हमारा यहाँ जाएगा तो हमें आउटपुट में यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी क्यू एन प्लस 1 हमारी स्टेज क्या हो गई? अब 1 हो गई। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना 1।
ओके okay, तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारी जब हमारे जे और के दोनों वन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यानी सिंपली अब हमारा ये वन आ गया है ओके okay, क्योंकि ये हमारा क्या है फीडबैक कनेक्शंस के थ्रू है यहाँ पे, इसकी वजह से अब हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही जो एस आर में आ रही थी। एक और बचा है वो देख लेते हैं। तो अब हमारा जे भी वन है और के भी वन है और क्यू एन भी वन है। तो अब हम चेक करते हैं, जे वन है क्लॉक वन है तो हमारा क्यू एन बार क्या होगा, क्यू एन बार क्या होगा जीरो होगा अगर क्यू एन वन है तो यहाँ पे ये जीरो है और इस जीरो को यहाँ पे गया तो जीरो होगा तो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिलेगी, अगर एक भी जीरो है तो हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है वन मिलेगा। सिमिलर अब हम देख लेते हैं के हमारा क्या है वन है वन है, यानी दोनों हमारे वन है तो क्यू एन चेक करते हैं, क्यू एन क्या है क्यू एन हमारा वन है, यानी अगर हमारे तीनों ही वन है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, सिंपल। अब हम आगे चलते हैं, क्यू एन हमारा वन था, वन यहाँ इनपुट में गया और यहाँ जीरो था और अगर एक भी जीरो होगा तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा वन मिलेगा, यहाँ वन मिल गया। आगे चलते हैं, मैंने वन को यहाँ इनपुट किया तो वन आ गया तो यहाँ दोनों ही वन है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो यहाँ पर क्या आ गया है जीरो आ गया है। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया जीरो, बट इसमें एक चीज़ क्या है कि अगर हम क्यू एन को जीरो दे रहे हैं तो हमें आउट नेक्स्ट स्टेज क्या मिल रही है वन मिल रही है, और अगर हम क्यू एन वन दे रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेज क्या मिल रही है हमें जीरो मिल रही है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं टॉगल स्टेज, ठीक है। तो मैं ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल भर देती हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो हम बना लेते हैं जिसमें हम क्यू एन को रिमूव कर देते हैं और सिंपल हम बना लेते हैं। तो जब हमारे जीरो जीरो थे जे के तो हमारी क्यू एन स्टेज आ रही थी, क्यू एन बोल लो या फिर बोल लो नो चेंज कंडीशन, यानी कोई चेंज नहीं है इसमें ओके okay, जो हमारा क्यू एन है ये वही है, ठीक है। तो अगली स्टेज क्या है, जब हमारा जे जीरो है और के वन है तो हमें क्या मिल रहा है रीसेट कंडीशन मिल रही है, यानी हमें क्यू एन प्लस वन क्या मिल रहे थे जीरो मिल रहे थे, जीरो कहो या रीसेट कंडीशन कहो ओके okay, सिमिलर। आगे चलते हैं, आगे क्या है, जब जे वन है और के जीरो है तो जे वन है और के जीरो है तो हमें क्या मिल रही थी सेट कंडीशन, सेट या फिर हम वन दोनों कह सकते हैं, आपको अलग अलग मिलेंगी हर बुक्स में, थोड़े इस तरह से मिलता है, किसी में ये लिखी रहती है किसी में ये नॉट कनेक्टेड नो चेंज सॉरी रीसेट सेट ये सारी चीज़ें मिलती हैं ओके। तो अब हम आगे चलते हैं, जे भी वन है के भी वन है तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, जब हमारा क्यू एन जीरो होगा तो हमें नेक्स्ट स्टेज वन मिलेगी, क्यू एन वन होगा तो नेक्स्ट स्टेज हमें जीरो मिलेगी। तो इस कंडीशन को कहा जाता है टॉगल स्टेज। ओके, आई होप आपको जेके फ्लिप फ्लॉप अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।